मैंने अच्छे से एंजॉय किया। हाथ उठाओ, तुम एंजॉय नहीं किया? तुम एंजॉय नहीं किया? अच्छा, चलो गुड। अच्छा, यहाँ से आज कुछ हमें सीखने के लिए मिला, यस और नो? कोई टीम, अगर निवेदिता और उसका जो टीम आके पहले पहुंचा, ठीक है, वो किस लिए पहुंच पाया और पूजा उनके टीम पीछे क्यों रह गए? कैसे संभव, कैसे हो पाया? कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क। जैसे कि आप लोग क्या किए थे, आपका स्ट्रैटेजी क्या था? तो उनका कहना है कि वो जो लोग प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ टीम को लेके मैदान में उतरे वो फर्स्ट है, ठीक है। तो और क्या सीखने मिला हमें? गेम को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन इतना भी एंजॉय नहीं कि हंस-हंस के वो काम ही ना करता। हमारा गोल वो है, वैसा ही वो तो मैं से कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, वो इतना हंस रहे थे कि उनका पैर भी नहीं आ रहा था, हम तीनों जा रहे थे। तो आप गेम का एंजॉय किए, मगर गेम को इतना भी एंजॉय मत करो कि वो काम ठीक से हो ही ना पाए। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। एक ताली हो जाए, 1 2 3। किसी एक के वजह से भी हमें क्या करना पड़ा है, पूरे टीम को सरवाइव करना पड़ा है। जैसे कि फोर व्हीलर गाड़ी में आप जा रहे हो, कोई आपका क्या व्हील पंक्चर हो गया, क्या पूरा गाड़ी चल सकता है? गुड, वेरी नाइस। और कोई? थैंक यू सो मच। आपका कहना था कि लास्ट मोमेंट में डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए, जो फैसला लिए हो, जो एक्शन प्लान है, इमीडिएटली ना चेंज करते हुए उसी के ऊपर अमल करना चाहिए, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ? और कुछ पॉइंट्स? माइंड थिंकिंग, मतलब हमने सोचा था कि ज्यादा पैर डालेंगे इससे जगह छोड़ के, लेकिन हमारा ज्यादा मतलब ये था, लेकिन उनका ज्यादा मतलब ये था, उनका माइंड नहीं अलग था, हमारा माइंड। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर कहीं पे कमी थी, राइट? एक दूसरे का सोच हमारा ऑब्वियसली तो अलग होगा, मगर इतना भी अलग नहीं होना चाहिए कि टीम में अफेक्टेड हो, राइट? सो ओवरऑल गेम पे एंजॉय किए? यस सर। हां यस सर।